नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप, एक फार्मासिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लुलिकोनाजोल क्रीम के बारे में, साथ ही साथ इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल्स में देखेंगे लुलिकोनाजोल क्रीम का यूज़ क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये किस डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसको आप खरीदने जाएंगे तो किस ब्रांड नेम से आप इसको मिलेगा, और इसको अप्लाई करने का, लगाने का सही तरीका क्या है, और आपको इसे कितने दिनों तक लगाना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लुलिकोनाजोल क्रीम होता क्या है। तो लुलिकोनाजोल क्रीम जो है वो एजोल ग्रुप की एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका यूज किया जाता है स्किन पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको सही करने के लिए। और किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन जब आपके स्किन पे होता है तो आप लुलिकोनाजोल का यूज किया जाता है। और ये जो होता है लुलिकोनाजोल क्रीम, इसको कंपनियों द्वारा व्हाइट कलर में बनाया जाता है, और ये जो होता है टॉपिकली यूज के लिए होता है, एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि क्या डोजेस फॉर्म है, इसे किस किस डोजेस फॉर्म में कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। तो इसको मेनली लोशन, क्रीम और सॉप के फॉर्म में बनाया जाता है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं ब्रांड नेम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स रखा है जो कि आप इजिली आपको मार्केट में मिलेंगे, जिस नेम से आप इसे खरीद पाएंगे। तो जैसे इसके को कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं, जैसे लूफंगल है, लुलिकेन, लुलिकैन, लूबेल, और यहाँ तक कि जो लुलिकोनाजोल क्रीम है यह एक जेनरिक नेम है मेडिसिन का। तो आप इसे अगर खरीदने जा रहे हैं तो लुलिकोनाजोल के नाम से भी ये आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा, और हो सकता है ये एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसके ब्रांड नेम्स चेंज हो, लेकिन इसमें जो आपको कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स जो मिलेंगे वो रहेगा लुलिकोनाजोल ही रहेगा, तो आप इसे ले सकते हैं। अब इसके आगे देख ले रहे हैं इसके यूज़ क्या होते हैं, तो पूरे फुल डिटेल्स में लुलिकोनाजोल क्रीम के यूज़ देख लेते हैं। तो लुलिकोनाजोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज़ होता है वो स्किन पे फंगल इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जाता है। अब जो होता है, पहला इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है एथलीट्स फूट नाम से एक डिजीज़ है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब एथलीट फूट में होता क्या है कि इसमें जो होता है आपके पाँव में क्या फट जाते हैं, उसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, रैसेस आ जाते हैं, जलन रहती है, पेन भी रहता है, तो उस पे जो लुलिकोनाजोल क्रीम है उसको लगाया जाता है तो काफ़ी जल्द और तेज़ी से उसको सही करता है और उस फंगल इन्फेक्शन को पूरे तरीके से ख़त्म करता है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है जो कि जॉक ईच नाम से एक डिजीज़ है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि स्किन पे रैसेस हो जाते हैं जिसमें स्किन पे ईचिंग रहती है, जलन रहती है, और जॉक ईच जो होता है कॉमनली जो देखने को मिलता है एथलीट्स में, या फिर जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जिनको ज़्यादा पसीना आता है उनमें भी जॉक ईच देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके होने का एक और मुख्य कारण है कि जो लोग कपड़े ज़्यादा टाइट पहनते हैं उनमें भी ये जल्दी होता है। तो इसको भी सही करने के लिए, जॉक ईच नाम की बीमारी जो है इसको सही करने के लिए डॉक्टरों द्वारा लुलिकोनाजोल क्रीम का को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके का एक्शन मिलता है और बहुत ही जल्दी इसे सही करता है। इसके अलावा भी इसका यूज है जैसे रिंग वर्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके स्किन पे एक सर्कल जैसा बन जाता है और वहाँ पे खुजली रहेगा, जलन रहेगा, और इचिंग करते रहेगा, तो उसको भी सही करने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा लुलिकोनाजोल क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग इसको लगाने का सही तरीका क्या है। तो इसको लगाने से पहले आपको लगाने से पहले भी आपको हाथ धोना होता है, और लगाने के बाद में भी इसको हाथ धोना होता है, और जहाँ पे भी जिस जगह पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है अगर उसको आप पहले धो लें और फिर अच्छे तरीके से उसको सुखा लें, और उसके बाद से वहाँ पे एक जो क्रीम होता है उसका एक पतला सा लेयर लें और वहाँ पे लगाएं और उसको छोड़ दें, और इसको आप पूरे दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, और जो इसका ड्यूरेशन जो होता है वो आपको 5 से 7 दिनों तक लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जाता है, लेकिन जो सीवियरिटी होती है फंगल इन्फेक्शन को उसको देखते हुए इसे बढ़ा करके 14 दिन तक किया जाता है। तो ये हुआ यहाँ पे इसको लगाने का सही तरीका, और कितने बार लगाना चाहिए और कितने दिनों तक लगाना चाहिए इसके बारे में हमने पूरे फुल डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लिया। अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या, और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जनरली लुलिकोनाजोल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर होता है तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जो आपको रेडनेस हुई है या फिर जहाँ पे स्वेलिंग हुई है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसमें क्या करता है, उसको ये और ज़्यादा बढ़ा देता है।
तो वहाँ पे और ज़्यादा रेडनेस हो जाएंगी, स्वेलिंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर बर्निंग सेंसेशन भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। अगर इनमें से किसी भी तरीके का अगर साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको आपके बॉडी पे दिखे या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट अगर आपके बॉडी पे दिख रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ करना बंद करें और अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से बताएं ताकि आपको उसके जगह पर कोई और क्रीम दिया जाए ताकि आपको फर्दर किसी और प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।